ये कोई खाने की चीज है, इकट्ठा बना लो। आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया हमने आज? अरे ये सामान कहाँ को जा रहा है भैया? तो गाइस निकलने का टाइम हो गया यहाँ से, बस एक ही रात के लिए आए थे फंक्शन के लिए हम लोग, और अब बस वापस रामपुर जा रहे हैं। 12 तो बजे के निकलते निकलते वही 4-5 बजे तक पहुँचेंगे, और सब छोड़ना है हमको नीचे। मीट मीट आदत है ना, 5:15 पूनम। बहुत अच्छा फंक्शन था, बुआ बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, सब आए हो आप लोग तभी अच्छा हुआ, खाली तो हम भी मक्खी मारते। बस सामान तो भैया सामान की कोई हद नहीं, और एक सामान इसमें भी आ रहा है देखो, सबसे बड़ा सामान। जुगाड़ के नाम पे इंडियन से आगे तो कोई नहीं निकल सकता। और इसको कितने मजे आ रहे हैं यार। सो गाइस तैयार तो हो गए थे, पर मुझे लग रहा है गाड़ी तैयार नहीं है हमको ले जाने के लिए। कुछ तो हो गया, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या हो गया? सुनिए क्या हो गया पापा। पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को यार, जाने का मन नहीं है इसका आज। जीजू आप ही हो, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। जीजू बैठे ना गाड़ी में। क्या हो गया? एक बार गड्ढे एक बार गड्ढे में गई, एक बार साइलेंस तो निकल गया था, और अभी बस बैठ के स्टार्ट करी और बंद, और अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। 36 का आंकड़ा। ये कोई खाने की चीज है, इकट्ठा बना लो। आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया हमने आज? ये देखो अभी बाबू लोग जाने लगे हैं। ये बाय कर दो सबको, वो ना ये तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। एक है कि जो चुप नहीं होता, और एक है कि बेचारा जो कुछ बोलता नहीं है। ये तो बस देखता ही रहेगा, पता नहीं क्या देखता रहता। क्या सीन है? खड़े हुए कोई मैकेनिक तो लेके आए। मुझे लग जीजू और इसकी ना वो हवन कराना पड़ेगा गाड़ी का कुछ। मम्मी क्या हुआ? अरे पता चल जाएगा आने दो मैकेनिक को। वापस आ गए ऊपर, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, पता मैकेनिक नहीं मिला, पहले मैकेनिक मिलेगा फिर गाड़ी सही होगी। अभी पता नहीं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या काटा है उसने, सही होने में टाइम लगेगा। तब तक हम ऊपर आ गए, बच्चों को थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, फिर इनको भी ट्रैवल करना है। तो मेवान तो सोने वाला है, निदांश दियारा दीदी के साथ खेल रहा नीचे। और इसको तो मिल गया यहाँ पे खुला मैदान जहाँ पे घूम सके, अपना लगा हुआ है मस्त छोटा कैटरपिलर। तो गाइस अभी अपडेट मिला है कि मैकेनिक आ गया, और अभी गाड़ी में लगे 2.5 घंटे सही होने में। उसकी कुछ मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी 1 बज रहा है, निकलते निकलते 4 बजेंगे। शिट यार रात हो जाएगी आज तो। कैसे करेंगे मम्मी? 10 बजे तक पहुंचेंगे बस। शिट यार चलो देखते हैं, जल्दी हो जाए मे भी, बट 4 तो बजने ही बजने रहा। तो गाइस गाड़ी तो सही हुई नहीं, तो हम लोग बुआ की गाड़ी लेके जा रहे हैं अभी, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसका कुछ पता भी नहीं, शायद वो बीच में और ख़राब हो जाए, तो हम रिस्क लेना चाहते हैं। शाम हो गई और 5 बज गए हैं, तो चलो निकलते हैं। पहुंचना तो लेट ही है, पर कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचने की। और यहाँ पे सब बाय बाय कर रहे हैं। ओ बाय बाय कर दी। चल गाइस निकल चुके हैं फाइनली। पापा ये रास्ता नहीं है।
गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़ी फूल चढ़ी। तो गाइस बच्चों को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? माता जाकी पार्वती, हमने गणेश जी की आरती गाड़ी में गा दी। बोल गणपति महाराज की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ओ साईं महाराज की जय। और हाँ, और अभी बज रहे 9:30 यार, हमने एक ब्रेक नहीं लिया, बिल्कुल एक मिनट के लिए गाड़ी रुकी नहीं है, सिर्फ टोल में रुक रही थी, थोड़ा स्लो हो रही थी, वरना भाई नॉन स्टॉप पापा ने चलाई है गाड़ी, बढ़िया टाइम पे आ गए, सही है। सो गाइस आ गए घर पे फाइनली। यार आज तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं घर कैसे पहुंचेंगे, बहुत लेट हो गई थी, 5 बज गए थे, अंधेरा वहीं से हो गया था, आज का तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो फाइनली अभी भी 10 नहीं बजे पूरे, हम पहले ही घर पहुँच गए। वाओ, एंड बाबू लोग भी अब रिलैक्स हो जाओ, मस्त रिलैक्स हो जाओ, हाथ पर मार लो थोड़े से। सो गाइज आज का दिन बहुत हेक्टिक था और बच्चे बहुत थक गए, तो इस व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड, और फिर आपसे कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए विद दैट सेट विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। लग रहे हैं सोने वाले, ये भी मुझे और तंग करेंगे। चलो बाय।